जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल के वचन हमें बताती है कि कहता है वह परमेश्वर की, हे मेरे पुत्र, मेरी जो बुद्धि की बातें उन पे ध्यान दे, क्योंकि जो मेरी बुद्धि की बातें तेरे भले के लिए है, मेरी बुद्धि की जितनी बातें तेरे भले के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, इसलिए तू क्या कर, मेरी जो बुद्धि की बातें हैं ना, उन बातों पे ध्यान दिया कर, क्योंकि सारी बातें तेरी भलाई की है, सारी बातें तेरे अच्छाई के लिए, क्योंकि जो बातें मैं कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। इसलिए कहता है कि मेरी जो बुद्धि की बातें हैं ना, उन पे ध्यान दिया कर कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। कहता है मेरी समझ की ओर अपना कान लगा, कहता है मेरी समझ की ओर अपना कान लगा, क्योंकि जो मैं काम करता हूं ना, जो मैं समझ की बातें तुमसे करता हूं, कहता है उन सारी बातों की तरफ कान लगा, उन्हें सुनने की कोशिश कर, उन्हें सुन सुनकर जानने की कोशिश कर। मेरे प्यारे भाई बनो, वो हमारा परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जो बुद्धि की बातें है ना, उन पे ध्यान दिया कर और समझ की बातों की तरफ कान लगाया कर, क्योंकि ये जो मेरे समझ की बातें, मेरे जो बुद्धि की बातें तेरे भले के लिए है, क्योंकि मैं जो कुछ बातें करता हूं तेरे भले के लिए बातें करता हूं। कहता है जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। कहता है कि अगर तू मेरी बुद्धि की बातों को, मेरे समझ की बातों की तरफ ध्यान देगा, उसे सुनेगा, कान लगाएगा, तो कहता है कि तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा, तेरी बुद्धि बिगड़ने नहीं पाएगी, तेरी बुद्धि हमेशा हमेशा क्या होगी, सुरक्षित बनी रहेगी, तेरी बुद्धि हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसमें ना ही छल की बातें, ना ही ईर्ष्या की बातें, ना द्वेष की बातें, ना जलन की बातें, ना व्यभिचार की बातें, कोई भी प्रकार की गंदी भावनाएं, गंदी बातें तेरे बुद्धि में नहीं उतरने पाएगी। इसीलिए वह कहता है कि तेरा जो विवेक है ना, वह सुरक्षित रहेगा। कब सुरक्षित रहेगा? कि जब बुद्धि की बातों पर ध्यान देगा और समझ की बातों के ऊपर कान लगाएगा, तो तेरी बुद्धि बिगड़ने नहीं पाएगी, गंदी नहीं होगी। कहता है कि और तू ज्ञान के वचनों को थामे। कहता है जो ज्ञान की वचन, जो ज्ञान के शब्द तुम्हें सुनाए जा रहे हैं, जो ज्ञान के वचन तुम्हें बताए जा रहे हैं, कहता है उनको थामे रह, यानी उसको अपने हृदय में रख ले, उसको अपने से अपने अपने से ओट न होने दे, यानी अपने आड़ में न होने दे, यानी अपने से दूर न होने दे, क्योंकि जो ज्ञान की बातें तुम सुनते हो ना, उन सारी बातों को तुम ग्रहण करो, वह ज्ञान की बातें तुमसे दूर ना हो, क्योंकि वह ज्ञान की बातें तुम्हारे भलाई के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का जो वचन है, वो कहता है कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे भले की बातें करता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं और उन बातों को जब हम रिसीव करते हैं, तो अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से उसकी भलाई हमारे ऊपर प्रकट होती है। जब वही हम परमेश्वर की नहीं सुनते, नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, तब हमारे ऊपर परमेश्वर की भलाई नहीं परंतु बुराई, अर्थात हमारे जीवन में श्राप उत्पन्न होता है और हमारे जीवन को नाश करना चालू करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, ये वचन कहती है हमेशा उसके बुद्धि की बातें, उसके समझ की बातें हमेशा अपने अंदर रखो, उसके ज्ञान की बातें हमेशा अपने अंदर रखो, जिससे तो आपकी जो बुद्धि, आपका विवेक हमेशा सुरक्षित रहेगा, उस पे शैतान का कोई पहरा नहीं होगा और हमेशा परमेश्वर की पवित्रताई में आप बने रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू, ताकि इनके जीवन में प्रभु तेरे स्वर्ग की आशीष आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए
कि पूरी रात ही परमेश्वर इन्हें सुरक्षित और भला चंगा रखा। ये परमेश्वर पूरी रात इन्हें अच्छी नींद दिया और नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता कि आज हे परमेश्वर, आज की सुबह इन सबके लिए प्रार्थना करते पिता कि आज की सुबह की जो प्रार्थना प्रभु इनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम लेकर आने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में जो भी निराशाएं हैं, जो भी उदासियां हैं, सब खत्म होने पाए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। प्रभु आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो ताकि तेरे लहू के धुलने से इनके शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए। इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, सब नष्ट होने पाए। ओ लिबरेसा रवा से रिंद गिरिंद लो रवा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपनी आत्मा के अभिषेक से निभर दे ताकि इनके जीवन में जो शैतान की व्यवस्थाएं जल जाए। महान पिता प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने बीमार लोग हैं प्रभु उन्हें छू ताकि आज से बीमारियां जाने पाए। आंखों की बीमार चंगी हो जाए, कान की बीमार चंगी हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नाक में बीमारी चंगी हो जाए, गले में बीमारी चंगी हो जाए, सीने में बीमारी चंगी हो जाए, पेट में बीमारी हो चंगी हो जाए, कमर की बीमारियां चंगी हो जाए, इनके रीढ़ की हड्डियों में बीमारी हो चंगी होने पाए। हे परमेश्वर इनके जोड़ों में तकलीफ हो, जोड़ों की तकलीफ निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साठिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए, कितने भी पुराने जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियाँ नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब है चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, इनके जीवन में चाहे जो बीमारियां निकल जाए, जिनके पास कोई संतान नहीं प्रभु उन्हें संतान दे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने हुए कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आसी थी, हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिली, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर जाता, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु इनके जीवन में नए नए और अद्भुत अद्भुत काम होने पाए, बड़े बड़े और अलौकिक चमत्कार होने पाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, हर दुष्ट आत्मा, हर सैतानी आत्मा, हर मरी हुई आत्मा आत्मा के जीवन से नष्ट होने पाए। ओ प्रभु अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दे जो तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई क्षेत्र पे आशीष दे। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन की निराशा दूर हो जाए, इनके जीवन में चाहे जो इच्छा मनोकामना प्रभु तेरे नाम से पूरा होने पाए। महान परमेश्वर इन्हें बुराई से बचा, इन्हें भलाई के मार्ग पर ले चल। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने तेरी प्रार्थना को रिसीव करने वाले इनको प्रभु अपना नया मन दे प्रभु, इनके भीतर अपनी नई आत्मा दे प्रभु। हे परमेश्वर इनके भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर इनके हृदय में इनको मांस का हृदय प्रभु, ताकि तेरे पवित्रता की तरफ जीवन जिए। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी प्रभु शैतान ने, हे परमेश्वर जो भी अपना उपद्रव किया प्रभु, सारा उपद्रव नष्ट होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में काम करे। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुबह की प्रार्थना प्रभु आज पूरे दिन के लिए इनके लिए आशीष का कारण बने, आज पूरे दिन ये आनंदित रहे, आज पूरे दिन ये खुशहाल रहे, आज इनके जीवन में जितनी हानियां होने वाली है सब खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर जितने विश्वास से इन आशीष को ग्रहण कर रहे प्रभु, आज इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। ओ प्रभु प्रार्थना करता पिता इनके जिनके पास संतान नहीं उनके गर्भ खोल में प्रभु उन्हें संतान मिलने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे महान पिता इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।